हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और हम देखने वाले हैं कि आपका 4th of September कैसा जाएगा, आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, आप लोगों की एक काफ़ी एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट हो रही है। या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है, या आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि फाइनली आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। ओके, कोई न्यू पर्सन की मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहे आपके साथ। ओके, सो एरीज, आप एक ऐसी एनर्जी में लग रहे हो अपने नेक्स्ट 24 आवर्स में, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में आगे चलते जा रहे हो। इट्स लाइक यूनिवर्स, आप मुझे दिखाओ कि आप मुझे क्या देना चाहते हो। गिफ्ट्स को लेके ओपन होना, मिरेकल्स को लेके ओपन होना, मैजिक को लेके ओपन होना, इस टाइप की आपकी एनर्जी दिख रही है। काफ़ी मिस्टिकल एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए आई डू फील कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस है। ठीक है, अगर आपकी किसी एक ऐसे पर्सन से बात हो रही है जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हैं, या ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको इम्प्रेस करना चाहती है, तो इस पर्सन को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की नीड है। ओके, बिकॉज ये जो पर्सन है ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही क्रैक मेंटालिटी के पर्सन मुझे ये ऑनेस्टली लग रहे हैं। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी लग रही है मुझे इस पर्सन की, तो इस पर्सन को लेके आपको केयरफुल रहने की नीड है। इन पर्सन की बातों में नहीं आना है, बिकॉज आई थिंक आप लोग बहुत जल्दी बातों पर चले जाते हो, बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ऐसा ध्यान रखने की नीड है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, एंड ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिकली ही हो, कि कोई फ्लर्ट कर रहा है या कुछ ऐसा, बट आपको कोई किसी ऑफर को लेके भी ल्योर करने की कोशिश कर सकता है। लेट्स सी हमारी जेमिनाई के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो जेमिनाई के लिए आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में मुझे लग रहे हो। ठीक है, आप अपने हार्ट ब्रेक से भी बाहर आते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, आपका दिल दुखा है, आपका दिल टूटा है, उस एनर्जी को आप अपनी लाइफ से हटा रहे हो। ठीक है, वो नेगेटिविटी अपनी लाइफ से हटा रहे हो, उस हार्ट ब्रेक को आप ठीक करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लॉजिक और माइंड के साथ चल रहे हो। ठीक है, पहले कहीं ना कहीं जो आपको बहुत बर्डन दे रही थी, आप डिसाइड कर रहे हो कि अब मुझे इस बर्डन में नहीं रहना है, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी भी दिख रही है, एकदम फोकस्ड रहना, क्लियर रहना, असर्टिव रहना, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, साथ में मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपका या तो बुरा चाहता है। ओके, या ये पर्सन, इट्स लाइक आप इस पर्सन के साथ टॉकिंग टर्म्स में हो, लेकिन ये पर्सन अपनी ट्रू इंटेंट नहीं दिखा रहे हैं आपको, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं कोई फीमेल पर्सन जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, आपके लिए आपकी कोई फीमेल फ्रेंडशिप, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए है, आपकी कोई फीमेल फ्रेंडशिप है जो काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत इमोशनल हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइल्ड कॉन्फिडेंट, इस टाइप की एनर्जी है, तो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो मेल्स हैं उनके लिए मेल्स के साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, तो सेम जेंडर फ्रेंडशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लियो, यानी कि सिंह राशि। सो लियो के लिए वाव, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए आई डू फील कि आप कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो, कोई डिग्री अर्न करने के लिए आप कहीं जा सकते हो, और कुछ लोगों के लिए आपकी कमिटमेंट जो है, आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती हुई दिख रही है, असेंड करती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के अंदर एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। ठीक है, कि ये पर्सन या ये जो चीज़ है ये एकदम परफेक्ट टाइम है ये काम करने का, ये एक परफेक्ट पर्सन है ट्रैवल करने के लिए, ये परफेक्ट पर्सन है अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, तो इस टाइप की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है।
सो कन्या राशि वालों के लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है। किसी पर्सन को लेके आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जिस पर्सन को मनाना, जिस पर्सन के साथ रहना इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा, ठीक है। इस पर्सन को कम्प्लीटली अपनी लाइफ में लेके आना इतना इजी नहीं होगा, आपको स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे अगर सच में आप इस पर्सन को चाहते हो तो, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि आपको इस पर्सन को कुछ सॉलिड देना पड़ेगा, आपको इस पर्सन को कुछ बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रॉमिसिंग देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो पहले जो आप अलग अलग चीज़ें तरकीबें अपना रहे थे, अलग अलग चीज़ें कर रहे थे, वहाँ से आप हटते हुए दिखाई दे रहे हो और कुछ रियल करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। सो तुला राशि किसी बात से डर रहे हुए हैं, ठीक है। आपको किसी चीज़ को लेके थ्रेट फील हो सकता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको अपनी फैमिली को चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी इंक्रीज हो रही हैं जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप कैसे अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस आउट करोगे, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके घर को लेके कुछ थ्रेट फील हो सकता है, रेंट इश्यूज हो सकते हैं, कोई घर लेने के इश्यूज हो सकते हैं, बट एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आपका जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो या तो इतने खुश नहीं है या वो इतने कंफर्टेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। सो आप वो चीज़ें सिचुएशन चेंज करना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, बट यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि फ़िलहाल आपको उस चीज़ में ही बैलेंस और हारमोनी ढूंढनी है, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए आई डू फील कि आप किसी न्यू पर्सन के साथ कोई न्यू बिगनिंग चाहोगे, ओके। या आप में से कुछ लोग अपना कोई छोटा काम स्टार्ट कर सकते हो, कोई स्टार्टअप वाली एक एनर्जी दिख रही है, किसी छोटी सी चीज़ में इन्वेस्टमेंट डालना, you know, इस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक मुझे दिख रहे हैं अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करने के लिए, अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। साथ में आप मुझे ऐसा भी लग रहा है आप कुछ अननेसेसरी लोगों को अपनी लाइफ से हटा रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे अननेसेसरी लोग हैं जो आपकी लाइफ में टांग अड़ाते हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में एक कहीं ना कहीं बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, और अब आप इन लोगों को रिकग्नाइज कर पा रहे हो तो आप इन लोगों को हटा भी रहे हो अपने रास्ते से। सो लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सैजिटेरियस। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो धनु राशि वालों के लिए आई डू फील कि आप किसी पर्सन को लेके कोई स्टेप तो लेना चाहते हो, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं किसी को लेके, और जिसके बारे में आप सोच रहे हो या जो भी पर्सन आपके माइंड में, उनके अंदर भी आपको लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक सही सल्यूशन की साइड नहीं देख पा रहे हो, आप हेल्पलेस फील कर सकते हो, आप एक विक्टिम के जैसे फील कर सकते हो कि ओ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, बट मैं कैसे करूँ। आपके पास जो सल्यूशन है वो आपके सामने ही है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आपको वो लॉक भी खुला हुआ है, बस आपको वो ताला हटाना है और आपको वो सल्यूशन को ग्रैब करना है, वो अपॉर्चुनिटी वहीं पर है, बट यू हैव टू लुक अराउंड दैट, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि। सो मकर राशि वालों के लिए काफ़ी हैप्पी गो लकी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ चीज़ों को ख़राब कर दिया था या किसी ने कुछ चीज़ों को ख़राब कर दिया था, कोई एंडिंग आपकी लाइफ में चल रही थी, उस एनर्जी से आप हटते हुए दिख रहे हो, उस नेगेटिव एनर्जी से या फिर जो भी ये सिचुएशन थी यहाँ से आप वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हो आप नेक्स्ट 24 आवर्स में, मज़े करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी आपका इनर चाइल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलाइव फील करेगा, आप बहुत अलाइव फील करोगे, you know, मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो। अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो आपको वो मिल जाएगा, एक ऐसा एटीट्यूड आपका आ रहा है, ठीक है। एक ऐसे बिलीव सिस्टम आप डेवलप कर रहे हो जहाँ पे आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई फियर नहीं है। तो एक बहुत ही आपका एक ऐसा फेज था जो आपको बहुत डर में रखता था और वो चीज़ आपकी अब कम्प्लीटली हटती हुई दिख रही है। लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है।
सो कुंभ राशि वालों के लिए आई डू फील कि आप किसी इवेंट में या अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू किसी पर्सन को मिल सकते हो जिनके साथ आपका काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो सकता है, एक रोमांटिक बॉन्ड डेवलप हो सकता है। आई वॉन्ट से कि ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर में होगा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का इसका एक पोटेंशियल हो सकता है, बट आई जस्ट फील कि आप किसी नए पर्सन से बात करते हुए दिख रहे हो, किसी पर्सन को जानते हुए दिख रहे हो, कहीं पर गिविंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी पाइसेस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। द सन का कार्ड आया है, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आई डू फील कि आपको आपका किसी चीज़ में पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा चेंज आ रहा है, एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस आप कहीं ना कहीं अडाप्ट कर रहे हो जिसकी वजह से कुछ चीज़ों को लेके आपका परसेप्शन एकदम चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी रहना, किसी ने कुछ कर भी दिया जो आपको ट्रिगर करता था पहले, अब आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, अब आप चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, अब आप चीज़ों को लाइटली लेते हो, इस टाइप की एक एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। कुछ ख़राब हो रहा है तो आपका एक ऐसा एटीट्यूड है, चलो ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा, ठीक, उस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है जो अंदर से आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज कर रही है चीज़ों को लेके। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।